Hello friends, welcome to my channel B Bank Aspirant BBA. Please subscribe my channel and do like this video. तो दोस्तों आज 1st of June को IDBI recruitment का official notification जो है वो उनके website पे आया है. तो it's very good news दोस्तों. Almost 1,544 vacancies आई है. तो इसमें दो post के लिए actually आई है. तो IDBA bank जो है वो Industrial Development Bank of India है और इनकी जो नोटिफिकेशन आई है वो उनके वेबसाइट पे आई है और आज ही आई है. ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि LIC की सब्सिडरी है, जो आप सब लोगों को पता होगा. तो दोस्तों बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में. तो दोस्तों टोटल 1,544 वैकेंसीज आए हैं. उसमें दो पोस्ट है, एक तो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है और दूसरा जो है वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है. एग्जीक्यूटिव के लिए ऑलमोस्ट 1,044 वैकेंसीज है, 1,044, और AM के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 500 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज है. तो जी हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एक ही सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा. तो ये सिंगल एग्ज़ाम एग्ज़ाम जो है वो होगा 9th of July को एग्ज़ाम होगा. और इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो 3rd of June से शुरू होगा. 3rd of June से, तो एक 3rd of June से एक 14 days तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा आपको फिल करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है जुलाई, 9th जुलाई को आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा. तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो ऐसा है कि इंग्लिश लैंग्वेज है 40 मार्क्स के लिए, क्वांट जो है वो भी 40 मार्क्स, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT, ये सब 60 मार्क के लिए, ये मेन सेक्शन है. रीजनिंग जो है वो भी 60 मार्क्स के लिए. तो ओवरऑल 200 मार्क्स का है, जो कि 2 आवर के लिए एग्ज़ाम है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू. सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे 4 फेज में होगा. एक रिटर्न एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम. एज लिमिट जो है वो 20 to 25 एग्जीक्यूटिव के लिए है, 21 to 28 ईयर असिस्टेंट मैनेजर के लिए. तो दिस इज हाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यू जस्ट चेक एंड फिल द फॉर्म इफ यू आर इंटरेस्टेड. Thank you so much for watching my video. Thank you.